हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया ब्लॉग लेके आई हूं और आप सबको मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग में मैं अपना फैमिली पिकनिक का दिखाने वाली हूं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मैं अभी ससुराल में हूँ और सारे ससुराल के फैमिली मेम्बर मिलकर हम लोग यहाँ पर आए हैं पिकनिक मनाने के लिए। और ये जो जगह है ये मेरे ससुराल में ही है, पास में ही। यहाँ का व्यू मैं अभी आप लोग को दिखाऊँगी, बहुत ही अच्छा है। सामने एक जोड़िया है, यहाँ पर हम लोग का खेत है और इधर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मैदान भी है बड़ा बड़ा। तो दिखाते हैं आप लोग को, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और अभी देख सकते हैं अभी का व्यू कितना अच्छा है, एकदम माहौल यहाँ का कितना अच्छा शांत माहौल है। और ये जो खेत दिख रहा है ये सब खेत हम ही लोग का है। और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग का पिकनिक में सबसे पहले खिचड़ी चढ़ाया जाता है, क्योंकि खिचड़ी यहाँ जो है नियम है थोड़ा सा पहले खाने का, और उसके बाद जो खिचड़ी बनता है उसको प्रसादी के रूप में जंगल बूढ़ी यानी कि वन बूढ़ी को हम लोग पहले चढ़ाते हैं। तो सब कुछ आप लोग को वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बहुत अच्छा लगने वाला है। और आप लोग देखिएगा गाँव में किस तरह से पिकनिक मनाते हैं। तो अभी देखिए, अभी सबसे पहले नाश्ते का यहाँ पर तैयारी हो रहा है, तो नाश्ते पर हम लोग मिक्सचर बिस्किट केक ये सब लिया लाए हैं और सभी मिलकर अभी नाश्ता करेंगे। और उधर तब तक खिचड़ी बन रहा है, और खिचड़ी जब बन जाएगा तब फिर बन बूढ़ी को चढ़ाएंगे। तो आप लोग को सब कुछ देखने मिलेगा, वीडियो में बने रहिए। और चलिए आप लोग को यहाँ का व्यूज़ भी दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़िया कितना अच्छा है। तो आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को। और जो जो नए हैं मेरे चैनल में, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल जाए। और यहाँ पर परी अभी पापा के साथ बैडमिंटन खेल रही है। और अभी हम लोग देखिए इधर मटन बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो प्याज फ्राई हो गया है और मटन को हम लोग पहले हल्दी और तेल मिला के रखे थे कुछ देर के लिए, और उसके बाद अभी इसको फ्राई करेंगे मसालों के साथ। Thank you.
बनाने में एक्सपर्ट है, उधर पूड़ी बनाने में सब एक्सपर्ट है।
तो हम लोग का खाना पीना हो गया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग शाम का समय हो गया है। तो लास्ट में अभी बच्चों का पसंद का सब कुछ बन रहा है, ब्रेड चॉप चॉप पकोड़ा ये सब बनेगा, ये सब खा लेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग घर जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं अंधेरा काफ़ी हो गया है, लेकिन अभी हम लोग का पिकनिक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी हम लोग खाना बन ही रहा है। तो ये सब बच्चे ही कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इधर देख सकते हैं चॉप ब्रेड चॉप ये सब बन के अभी तैयार हो ही रहा है, और बच्चे हस्बैंड सब साथ में मिलकर बना रहे हैं। और उधर भी देख सकते हैं पीछे साइड आग जला है, तो उधर बैठे हुए हैं मेरे जो मुकुंद के बड़े पापा लोग हैं, बड़ी मम्मी लोग हैं, सब कोई आग ताप रही उधर बैठ के, और इन लोग यहाँ पर बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो आप लोगों को फिर से मेरी ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल आप लोग के लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियां आएँ, आप लोग को लाइफ में कोई भी टेंशन ना हो, बस खुशियां ही खुशियां हो। फिर से दिल से हैप्पी न्यू ईयर, और मेरे वीडियो को फुल वॉच किए उसके लिए भी दिल से धन्यवाद।